नाम उनका देशमुख, देशमुख, उनके पास गए कि भगवान का पिंजरा, अब पिंजरा हटा दिया, जो भी है आगे केस चले पिंजरा। उसने कहा, उसके शब्द थे देशमुख जी के, भगवान का गला भी उड़ जाएगा ना तो मुझे कोई मतलब नहीं है, भगवान का गला भी उड़ जाएगा ना, मुझे शांति स्थापित करनी है इसके लिए भगवान का गला भी उड़ जाए तो मुझे कोई मतलब नहीं, ये उसके शब्द थे। वहां से हारे हम, थक हार गए वहां से। फिर हमने मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के वाई बी चौहान थे, वाई बी चौहान, उनके पास ये गई बातें, वो एकदम ऐसे हो गए, बोले भगवान को पिंजरे में डाला है, बोलता हाँ भगवान को। उसने कहा बाकी सब छोड़ो, बाकी भगवान को पहले पिंजरे मुक्त करो, पिंजरे मुक्त करो। वो बोले कि दोनों के झगड़े, बोले दोनों के झगड़े छोड़ो, पहले भगवान को पिंजरे के मुक्त करो। और भगवान को पिंजरे मुक्त किया, ये भगवान का पर्चा आपको दिखा रहा हूं, सुन लीजिए क्या है ये भगवान। और जब भगवान को पिंजरे मुक्त किया, 10 दिन के अंदर जो देशमुख थे ना, जिन्होंने भगवान का कहा कि सिर उड़ जाए तो भी तकलीफ नहीं, 10 दिन के अंदर उनका तबादला हुआ दूसरे शहर में। उनका एकाएक लड़का 19-20 साल के आसपास का, 22 साल का लड़का, उसने एक रात को, ये घटना हुए कुछ दिन हुए थे, 10 दिन, उसने अपने यहां पर गोली मार दी, बच्चे ने खुद सुसाइड किया। और कहां मारी मालूम है? यहां पर। कहा था ना किसी के लिए भगवान का सिर उड़ जाए तो मतलब नहीं, देखो ये पर्चा, सिर उड़ गया, हाँ सिर उड़ गया, यहां गोली मारी उसने अपने आप, एकाएक लड़का। भगवान का सिर उड़ जाए ऐसे शब्द बोल दे, ये पर्चा था, सिर उड़ गया, क्योंकि उसने कुछ वैसा विषय हुआ और उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया, यहां गोली मारी और सिर उड़ गया। और जो ये वाई बी चौहान थे ना, इन्हीं 10 दिनों के अंदर, कुछ दिनों के अंदर उनका भी प्रमोशन हुआ, मुख्यमंत्री थे, केंद्र में रक्षा मंत्री बने, केंद्र में रक्षा मंत्री बने, क्योंकि भगवान की रक्षा की थी, पिंजरे से मुक्त हुए थे, रक्षा मंत्री देश के बने। ये भगवान के परिचय है, ये मेरे अंतरिक्ष दादा के परिचय है, ये मेरे भगवान का प्रभाव है।